हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और एक हाँ, एयरफोर्स एक्स एंड वाई एग्जाम के लिए जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि ये जो इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ, पिछले साल देखा गया था कि जैसे ही लॉकडाउन लगा था और बहुत टाइम के बाद बार बार पोस्टपोन पोस्टपोन हो कि फिर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिली एग्ज़ाम पैटर्न में और फिजिकल में भी इवेंट, ठीक है ना। क्या क्या चेंजेस है वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और इन चेंजेस के बारे में जान के आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाए, डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा आपको पूरे एग्ज़ाम के दौरान पे। अगर रिटन क्लियर कर लिया कैसे कैसे करके, तो फिर आपको फिजिकल में भी वो चेंज को लेके बहुत टेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हर चीज़ की, चाहे वो फिजिकल की हो, चाहे स्टेज टू की, वो जो जो भी है, जो उनका एडेप्टिलिटी टेस्ट होता है, या फिर आपको रिटन एग्जाम, सबको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल हम लोग बात करते हैं। और हाँ, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप लोग परीक्षा ऐप पर लगाओ। परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्योंकि आपका अभी 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ कर लेते हो तो exam8to Z50। और ये कोड यूज़ करने के अलावा 90% से भी ज़्यादा बच्चे परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लगा रहे, तो इनके बीच में क्या रैंकिंग है आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। और बेस्ट टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल देखो गाइज, हम लोग दो बातों पे ध्यान से जानेंगे, यहाँ पे क्या पैटर्न और एग्जाम लेवल में भी चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि पिछले बार यही हुआ था, ठीक है ना। और फिजिकल रनिंग मतलब फिजिकल में भी चेंज हुआ था, रनिंग हुआ था नहीं, ठीक है, रनिंग की जगह पे कदम ताल करा लिया गया था। अब ये क्या चीज़ें होती है हम लोग सब कुछ बात करेंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिटेन टेस्ट के बारे में, ठीक है। रिटेन के बारे में बोल लो या फिर फेज वन के बारे में बोल लो, ठीक है। तो रिटेन या फिर फेज वन में क्या चेंजेस हुई थी वाई ग्रुप की और चाहे एक्स ग्रुप की बात करें, तो देखो एक्स ग्रुप के अंदर कुछ खास चेंजेस के लिए हमको देखने के लिए नहीं मिला था, ठीक है। ये बस अपने वैसे ही पैटर्न पे चल रहा था जैसे पैटर्न पे हुआ था, लेकिन वाई ग्रुप की हमको रागा सेक्शन में देखने के लिए मिली थी क्या, कि इंग्लिश को काफ़ी ईजी किया गया था, ठीक है। और जिसका इंग्लिश ठीक है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो वो तो काला अक्षर ब्यास बराबर है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश ठीक ठाक थी, डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन रगा के अंदर कुछ ऐसा चेंज किया गया था जिससे कि सारे बच्चे परेशान हो गए थे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन उनको बनाने की जो विधि थी कोई भी शॉर्ट ट्रिक पे नहीं चल रही थी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब पर क्वेश्चन पे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था, लेंदी लेंदी क्वेश्चन दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आपको करनी होंगी अपने अंदर, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जितने भी वाई ग्रुप के बच्चे हैं, देखो एक्स ग्रुप वाले के लिए फिजिकल के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको रिटन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही होने वाला है। बशर्ते कि एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एक्स ग्रुप की अगर तैयारी कर रहे हो तो जो लेवल की तैयारी कर रहे हो कोशिश करना है कि उसे थोड़ा सा अप लेवल की तैयारी करें, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है मैं पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी रगा के अंदर आपको क्या करना है ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं रगा पर प्रिपरेशन करा रहा हूँ, पूरा फोकस कर रहा हूँ। सारे जब यूट्यूबर सो गए हैं, वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल रहे, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रगा पे आप उस लेवल की तैयारी करके जाएं कि कितना भी ट्विस्ट आ जाए कहानी में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखो रगा के बारे में बात कर ले तो क्या होना, यहाँ पे रगा का जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने चलो मैथ 2021 करके एक प्लेलिस्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। रीजनिंग 2021 करके वर्बल नॉन वर्बल दो प्लेलिस्ट है, सबको पढ़ा दिया है अच्छे से, बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ाया और बिल्कुल भी हाई लेवल तक, आपके एग्जाम के लेवल तक कराया है। अब सिर्फ इतना पढ़ लेने से क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं हो जाएंगे एक ही बार में, क्योंकि एक ही बार कोई चीज़ पढ़ने पे नहीं बनता है। अभी काफ़ी सफिशियंट टाइम है इसको रिविजन करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कहाँ से करो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर उस लेवल की करके नहीं जाओगे तो फिर से देखना, रगा में मात्र 7, 8, 10, 15 नंबर लेके फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ ध्यान से समझ लो कि रगा की तैयारी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जहाँ से भी लगा रहे हो लगाओ, लेकिन बेस्ट टेस्ट सीरीज ही लगाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट सीरीज लगाने से पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहाँ से बनाए, जो देखो बेसिक पढ़ लो पहले मेरे, जो मैंने पढ़ाया वहाँ से, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ लिया ठीक है। अभी देखो SSC की एग्जाम के CHSL के सारे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। कब से कब तक के बनाने, हमेशा वाले नहीं बनाने, जब से ये जो TCS एग्ज़ाम ले रहा है, मतलब 2019 से लेके जितनी भी SSC की एग्ज़ाम हुई है, SSC CHSL, ठीक है, और इवन SSC MTS एग्ज़ाम, और साथ साथ में SSC GD की भी प्रीवियस ईयर लगा लो, ताकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है SSC GD की, उस एग्ज़ाम के भी साथ साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि सारी SSC जितने भी एयरफोर्स के बच्चे हैं, सारे SSC GD की फॉर्म भरोगे, क्योंकि ये भी एक तरीके से पैरामिलिट्री के अंदर आता है, ठीक है, भरोगे और ये कम एज नहीं लेता है, तो ये भी बेस्ट ही है आपके लिए। तैयारी साथ साथ में इसकी भी होगी, और साथ साथ में तो छोड़ो, इस लेवल की मैथ करोगे तो आपको सिलेक्शन फिक्स है एयरफोर्स के अंदर, क्योंकि आपका स्कोर इतना अच्छा होगा ना कि आप कह नहीं सकते। इसकी देखो रागा सेक्शन में क्या क्या आपको SSC की पढ़ना है वो ध्यान से सुन लो। रागा सेक्शन में GK नहीं पढ़ना, मैं ये क्या लिखा हूँ, रागा लिखना है मुझे, ठीक है। रागा के अंदर आपको GK SSC की नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैथ कंप्लीटली आपको पढ़ जाना है, जितना भी SSC एग्जाम में CHSL में पूछा था। रीज़न क्या मैं बता रहा हूँ आपको, MTS हो गया चाहे आपका GD हो गया, ये बुक कहाँ से लेते हो वहाँ पर डिपेंड करता है, मैं कोई किसी बुक को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। SSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए सिर्फ। अब ये मैथ हो गया,
रीजनिंग हो गया, ठीक है ना। रीजनिंग वर्बल आपको एसएससी की इतनी प्रीवियस ईयर जितनी भी है वो इतना सफिशियंट है कि आपको 15 मतलब 10 वर्बल क्वेश्चन आते हैं, 10 सही करा देंगे। लेकिन नॉन वर्बल के लिए आपको एक मतलब बोलते हैं ना अल्ट्रा प्रिपरेशन करके जाना होगा। नॉन वर्बल के लिए आपको कहाँ, आर एस अग्रवाल का एक बुक आता है नॉन वर्बल का, बाई एस चंद, ठीक है। आर एस अग्रवाल बाई एस चंद करके एक बुक है, उस बुक को लेना है, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है, 5 मार्क्स का सवाल है। इस 5 नंबर को खो दोगे तो समझ लो कि अपने सिलेक्शन खो दोगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हमको रागा के सेक्शन में रीजनिंग पे 15 आउट ऑफ 15 कैसे भी करके ले लेना। अगर इसको छोड़ोगे तो फिर कहानी खत्म, ठीक है। और मैथ 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं ना, तो कम से कम 6 क्वेश्चन उसमें सही होने चाहिए। जीके नहीं भी बनाओगे तो इतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 15 6 जोड़ लो, कितना हो गया, 21 नंबर आपका यहीं से हो गया, ठीक है ना। रागा का अगर हम लोग बात कर लें, कम से कम जीके छोड़ भी दे अगर मान लो, और 21 नंबर हम यहाँ से उठा लेते हैं, जो कि आराम से उठाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 21 नंबर उठाया जा सकता है अगर तैयारी स्टेबल करके जाओगे तो 21 नंबर यहाँ से आपको किसी भी कीमत पर लेने होंगे। लेकिन वो कब मिलेंगे, जब आप एयरफोर्स की जो कंफर्ट जोन से हटोगे तब। ये कंफर्ट जोन क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एयरफोर्स वाई ग्रुप की, सिर्फ वाई ग्रुप की फोकस कर रहे हो तो इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक आप वो जो जितने भी आउटडेटेड बुक्स उठा लियो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी को यहाँ पे, क्योंकि किसी बुक को बदनाम करना गलत बात है, बट समझ लो जो बुक 10 साल से मार्केट में बिक रही है बिना मतलब की बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, उन सभी बुक को छोड़ के हटो, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एयरफोर्स को क्रैक कर चुका हूँ कई बार, ठीक है। इवन आपको भी पता है कि मैंने ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम भी क्रैक कर रखी है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं एयरफोर्स की एग्ज़ाम तैयारी करके जाता था। इस लेवल की तैयारी करके जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि आप सिर्फ अगर हुआ भी तो सिर्फ एग्ज़ाम निकलेगा, आगे जाके मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट लेना होगा आपको, तो मतलब चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा, एसएससी के क्वेश्चंस बनाओ। रीज़न ये क्या है, देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे जितने भी एयरफोर्स क्रैक कर रहे होते हैं वो सारे एसएससी के क्वेश्चन, कोचिंग वाले लोग जो है ना, बढ़िया बड़े कोचिंग वाले, वो सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा के भेजते हैं। और ज़्यादा कोशिश करना कि जो हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 मेथड से बनाओ। मैंने अपने सारी क्लासेज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2 से 3 मेथड में पढ़ाए हैं, ताकि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन समझ में आए। पहला तो बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल भी पढ़ो, बेसिक को छोड़ना मत, ठीक है ना। रागा में जब भी मैथ बना रहे हो आप लोग, तो बेसिक कंसेप्ट को आप लोग जरूर से जरूर फॉलो करना। बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, सिर्फ ट्रिक के भरोसे एग्जाम में नहीं जा सकते, क्योंकि पिछली बार रगा में ट्रिक से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना, तो ये चेंजिंग हो सकती थी, पहले की तरह नहीं है कि कुछ भी आया बना लिए। और रीजनिंग में भी पूरा फोकस करना। और जीके कहाँ से पढ़े, तो जीके के लिए सिर्फ आप लूसेंट बुक पढ़ते रहो, और यूट्यूब पे कोई एक चैनल पकड़ लो जो अच्छा जीके पढ़ा रहा हो। एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, एयरफोर्स के लिए जीके पढ़ा रहा है उसके पास बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। जो सिर्फ जीके पढ़ा रहा है, स्टैटिक जीके पढ़ा रहा है, उसके पास पढ़ो, ठीक है ना। तो एयरफोर्स के जीके पढ़ाने वाले जो है ना, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ नॉलेज वॉलेज है नहीं, कभी एयरफोर्स एग्जाम में बैठे नहीं है, वो लोग आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो पढ़ो जो ऑलरेडी स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और जिनको लग रहा है कि ऑलरेडी एग्जाम में इनसे आता है, मतलब अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना, यूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा, स्टैटिक जीके पढ़ो, ठीक है। सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ो, और खुद से पढ़ो लूसेंट बुक। यूट्यूब से सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ो, स्टैटिक जीके अपने से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टैटिक का मतलब जो हाल फिलहाल में चेंजेस होते रह रही है उनके बारे में, ठीक है। अभी यहाँ से रागा में कैसे भी आपको कोशिश करना है गाइज, कि हमको जीके छोड़ के 21 नंबर तक कैसे भी लेना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अभी बाकी इंग्लिश की तो चलो ठीक ठाक है, इंग्लिश के डी पब्लिकेशन बुक से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, और मैं टेलीग्राम पर भी डेली क्यूज कराते रह रहा हूँ इंग्लिश की, कभी जीके की, कभी मैथ की, कभी रीजनिंग की। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना। अभी ये तो बात खत्म करो, ये तो पैटर्न से रिलेटेड था। अभी फिजिकल में क्या चेंजेस आने वाली है वो चीज़ समझ लो। फिजिकल में अब ये फिजिकल की बात कर ले स्टेज 2 की, तो वहाँ पे एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई हो जाता है। देखो ये मैंने चीज़ दे रखा था आपको इसके अंदर, देखो रनिंग और कदम ताल बहुत जगह, मतलब पिछली बार क्या हुआ था, रनिंग हुआ ही नहीं था, ये कदम ताल हुआ था, ठीक है। अब ये कदम ताल क्या होता है, ये मुँह से बोल के बताना मुश्किल है। आप यूट्यूब पर जो प्रैक्टिकली करके दिखाया गया, बहुत सारे वीडियोज मैंने चेक किया था, तो उस वीडियो को देखो। मतलब जो लोग सिर्फ मुंह से बता रहे हैं कि पैर उठता है ये होता है, वो चीज़ मत देखना, जो प्रैक्टिकली कदम ताल करके दिखाया गया था उसकी करो, उसको देखो और उसको सीखो, और साथ साथ में रनिंग भी करना। क्योंकि पहले से किसी को पता नहीं है कि फिजिकल में रनिंग होगा कि कदम ताल होगा, ठीक है। वहाँ पर सेंटर पर जाने के बाद डायरेक्टली पता चलता है कि नहीं, उनका मूड चेंज हो गया, वो कदम ताल करा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान देना, तो रनिंग और कदम ताल दोनों सीख के जाओ। बाकी फोकस करना बिल्कुल अच्छे से रनिंग के साथ साथ, रनिंग के साथ साथ देखो अभी प्रिपरेशन के साथ साथ करंट न्यूज़ ज़्यादा फोकस करना, ताकि आपको स्टेज 2 के अंदर बहुत काम आएगा वो। क्योंकि करंट टॉपिक पे अगर बोलने की और ये सब हैबिट बनी रहेगी, नॉलेज रहेगा, तो आप 2-4-10 लाइनें अच्छे से इंग्लिश में बोल लोगे। इन सब चीज़ों पर फोकस करना। तो गाइज़ ये मेजर अपडेट थी आपके लिए, कि आपको रनिंग पे और पैटर्न पे चीज़ को फोकस करके जाना है। चाहे रनिंग और कदम ताल एक्स एंड वाई दोनों के लिए थी, और ये पैटर्न चेंजेस सिर्फ वाई ग्रुप के लिए थी। बाकी गाइस जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एग्ज़ाम कब होगी, तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया था एक्सपेक्टेड डेट, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।